जी नमस्कार, मैं पुष्पराज तिवारी, ग्राम पंचायत डार, जनपद पंचायत उमथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से। इस समय हम अमरा अनशन पर बैठे हैं और हमारे अमरा अनशन के सामने ही इस तरह का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत का कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है और इसमें भारी अनियमितता की गई है। यहाँ आपको पास नज़दीक से भी जा करके दिखाएंगे कि सड़क की गुणवत्ता किस प्रकार से है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लालगांव रोड है और ये पंचायत भवन है और ये आंगनबाड़ी है और ये प्राथमिक पाठशाला की बिल्डिंग है और ये परिसर है प्राथमिक पाठशाला का। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये डस्ट है, जंगली मिट्टी युक्त, और इसी सफ़ेद पत्थर की मिट्टी युक्त गिट्टी भी ग्राउंड में गिराई गई है, जिसको भी मैं आपको दिखाऊंगा ग्राउंड परिसर में चल करके। लेकिन उसके पहले हम आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से निर्माण कार्य की गुणवत्ता है। आप नज़दीक से देख सकते हैं, मैं नज़दीक से दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। निर्माण कार्य अभी यहाँ तक पहुँचा है, मैं वहाँ पर पहुँचकर आपको नज़दीक से वीडियो को दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि सामने ये सड़क है और यहीं पर ये लालगांव रोड से सूर्यकांत मिश्र के घर से सर्रा पहुंच मार्ग तक इसी सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत डाढ़ के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें भारी अनियमितता की गई है। विशेष मशीनों से सफ़ेद पत्थर के मिट्टी युक्त गिट्टी व डस्ट को बिना सीमेंट मिलाए ही अनियमितता पूर्वक, आप ये देख सकते हैं कि ना तो इसमें कहीं पटरा लगाया गया है और सूखी गिट्टी और डस्ट को पानी में मिक्सचर कर फ्यूरी मशीन से ढाल दिया गया है। आप ये देख सकते हैं, मैं पुष्पराज तिवारी आपको स्पॉट पर दिखा रहा हूँ। मैं इसी गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य को लेकर शिकायतें जनपद पंचायत त्योंथर, जिला पंचायत रीवा, कलेक्टर, कमिश्नर यानी संबंधित सभी अधिकारियों को शिकायतें की हैं और लोक सेवा प्राधिकरण, जिला अध्यक्ष महोदय, व्यवहार न्यायालय रीवा में भी हमने शिकायतें की हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, इस निर्माण कार्य में भारी अनियमितता की गई है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ना तो इसमें कहीं पटरा लगाया गया है और ना ही किसी प्रकार का जो मानक दंड है उसे मानक दंड के मुताबिक गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसमें हर जगह आपको डस्ट ही नज़र आएगी और सूखी गिट्टियाँ किस तरह से बिछी हुई हैं, आप इसका नमूना आप देख सकते हैं पूरे। इसमें किस तरह से गिट्टी और डस्ट को आप इसमें देख सकते हैं, तनिक भी इसमें सीमेंट नहीं है, आप कहीं से भी इसको उखाड़ करके देख सकते हैं। ये आप देखें किस तरह से, ये पूरी तरह से इसमें कोई पकड़ नहीं, क्योंकि इसमें सीमेंट डाला ही नहीं गया है
आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी तरह से हर जगह इस तरह से है। और ये जो आपको ये दिख रहा है पूरा मिट्टी युक्त डस्ट है, मिट्टी युक्त ये बनाया गया है। मेरे द्वारा इसके संबंध में काफ़ी शिकायतें की गई हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये ग्राम सर्रा ग्राम पंचायत कांकर के अंतर्गत ये बस्तियां हैं। और ये यहाँ तक ये पीसीसी सड़क ऐसे ही गुणवत्ता विहीन पीसीसी की प्रथम परत बिछाने का कार्य किया जा रहा था। मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में कंप्लेंट की गई, लेकिन जब कोई ध्यान नहीं दिए और जांच करने नहीं आए और फ्यूरी मशीन से काम करवा रहे थे मनरेगा योजना का, तो मेरे द्वारा 23/11/2019 से आमरण अनशन इसी निर्माण कार्य के सामने बने हाट बाजार के प्रांगण में हमने प्रारंभ किया है। और अभी तक आज 24/11/2019 शाम को आपसे हम बात कर रहे हैं। शाम होने का समय है, सूरज ढलने को है, लेकिन अभी तक कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं आए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में भारी अनियमितताएं हैं, जिनके कारण ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने अनेक प्रकार के जो है तो मतलब शिकायत दिए गए हैं कि मतलब इस भ्रष्टाचार की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। कई प्रकरणों में शिकायतें सत्य पाए जाने पर वसूली की कार्रवाई हेतु भेजा गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि आज तक वसूली की कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ कागजी घोड़ों में चढ़कर कार्रवाई चल रही है। और अभी तक कोई सही बात का आकलन नहीं मिल पा रहा है कि आखिर जांच कार्रवाई होगी कि नहीं होगी और क्या कार्रवाई होगी। इससे हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। समस्त मीडिया को मैं यह वीडियो प्रेषित कर रहा हूं और निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि मानक स्तर का न सामग्री है और ना ही इसमें सीमेंट डाली जाती है। प्रथम परत ऐसे ही पानी और डस्ट को मिक्सचर कर फ्यूरी मशीन से ढाला जाता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं किस तरह से ये सूखी गिट्टी, जबकि ये बिल में ब्लैक स्टोन की गिट्टी और रेता दिखाया जाता है, लेकिन जैसा मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो प्राथमिक पाठशाला डाढ़ के प्रांगण में मटेरियल सामग्री गिराई गई है, उसी को फ्यूरी मशीन में भरकर पानी से मिक्स कर प्रथम लेयर की परत बिछा दी गई है, जबकि इसमें पटरा लगाकर और ब्लैक स्टोन की गिट्टी 40 mm और रेता का उपयोग सीमेंट के मात्रा के अनुसार कराए जाने का प्रावधान था, जिससे पीसीसी अच्छी बन सके, गुणवत्तापूर्ण बन सके। बीच बीच में इनमें स्टेप देना था, यानी गैप छोड़ना था, यानी एक प्रावधान के अनुसार पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जाता है। जो तकनीकी अधिकारी हैं इन सबकी मिली भगत है, उसके भी वीडियो हमारे पास हैं, वाए थे और देख जा चुके हैं उपेंद्री जी, लेकिन अभी तक कोई जांच प्रतिवेदन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबकी मिली भगत है और हमारे पास इससे कई दस्तावेज हमारे पास हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि इस जगह पर हमारा आमरण अनशन चल रहा है, आज हम 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं और यहीं पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और आज ये शाम को हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसको मीडिया से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रकाशित करें और इस तरह के निर्माण कार्य पर रोक लग सके, ऐसा अनुमान मानकर आप सबको वीडियो प्रेषित कर रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और अधिकारियों में इस बात का और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे ग्राम पंचायत में हो रहे इन भ्रष्टाचारों पर रोक लगाई जा सके। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डस्ट गिरी है और ये गिट्टी है 40 mm और 20 mm, और यहीं पर फ्यूरी मशीन से पानी मिक्सचर कर
निर्माण कार्य को कराया जा रहा था, लेकिन लेकिन अमन अनशन शुरू होने के बाद निर्माण कार्य पर रोका गया है, लेकिन अभी तक कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई है। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये डस्ट है और डस्ट से ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये डस्ट है ना कि ये रेता है। आप ये देख सकते हैं, इसमें ये लाल रेता है, लाल डस्ट है, इसमें रेता नामो निशान नहीं है, मिट्टी युक्त डस्ट है ये। और इसी तरह ये भी जो है, ये लाल पत्थर का था और ये सफ़ेद पत्थर का है। जैसा आप ये देख रहे हैं, गिट्टी और ये गिट्टी, इन्हीं का ये चूरा है, और जो क्रेशर से निकलता है, सेंत के भाव मिलता है। सरपंच सचिव अच्छी गुणवत्ता की बिल दिखाकर राज को गोलमाल करते हैं। सभी उपयंत्री इस पर अपनी भागीदारी निभाते हैं और जो भी इसका हिस्सा बनता है लेते हैं। मैं उस पर तिवारी वापस चलता हूं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में इस तरह के ओराम और भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, लेकिन कोई अंकुश नहीं लग रहा है। मैं वापस चलता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।